क्यों नहीं जिले में अगर ये तह तक जाया जाए और वास्तविक दोषी जो है थाने से आते हैं और पत्रकार के साथ गंभीर वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, इससे स्पष्ट है कि गश्त, चौकसी और चेकिंग सिर्फ औपचारिकता है। इस घटना के पीछे कथित रूप से तस्करों की भूमिका की चर्चा है। जब एक पत्रकार के साथ ऐसी घटना खारिज की जा सकती है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? महोदय, घटना की जड़ तक की जाँच की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं रात को माला दर्शन ऑफिस विकास नगर से 1:15 पे फ्री होके घर के लिए जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से। तभी टीचर कॉलोनी के प्रजेश मित्तल के घर के वो गिरनार कटबीस के पास में किसी अज्ञात स्कॉर्पियो ने बिना नंबर गिने मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मैं नीचे गिर गया, फिर उन लोगों ने मेरे को गाड़ी में डालने की कोशिश की। मैंने उनसे छीना झपटी करके वो उसका मास्क उतार दिए और मैंने उनके चेहरे देख लिए कि ये चेहरे ये थे बस। उसके अलावा वो कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया, फिर उन्होंने नीमच से 6-7 किलोमीटर दूर वो जावत फंडे और होटल ग्रीन के बीच में गाड़ी रोक के उतारा, मारा पीटी करके चले गए। रात को मैं वहाँ से पैदल आया और होटल सहयोगी था, फिर यहाँ पे मेरे को पुलिस मिली, मैंने उनको बताया घटनाक्रम, फिर वो मेरे को हॉस्पिटल लेके आए और हाँ वो मारा पीटी करके और मेरे जेब में मोबाइल और पर्स जिसमें 2670 रुपये से थे वो ले लिए। यह तो पुलिस जांच कर रही है, अभी जो भी होंगे वो आएंगे सामने। मैं किसी को ऐसा पहले कभी मिला नहीं, किसी जानता नहीं था उन पाँचों में से कौन थे क्या है। बस वो बिना नंबर की स्कॉर्पियो देखी थी मैंने सफ़ेद कलर की, जिसमें वो मेरे को ले गए थे। ये जो घटनाक्रम हुआ क्या खबरों को लेके लगता है घटनाक्रम? हाँ, ये तो उन्होंने यही कहा था, बोले कि तुम लगातार बोले कि हम तस्करों के खिलाफ खबर लगा रहे हो, इसको लेके ठीक नहीं रहेगा और अगली बार ऐसा कुछ किया तो गोली मार देंगे।